जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं बड़ी रोचक कथा है, काफी मोड़ है इस कथा में, लेकिन बहुत ही अच्छी कथा है। एक समय कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान की समाधि लगी हुई थी। जैसे उनकी समाधि खुलती है, माता पार्वती उनसे एक पुत्री की कामना करती हैं। भगवान शंकर अपने नेत्र से, अपने आंसू की बूंद से कन्या उत्पन्न कर उसे दे देते हैं। समय निकलता जाता है और कन्या जवान हो जाती है। उधर शेष लोक में शेष राज जी भगवान शंकर की तपस्या में लीन थे। जैसे भगवान उनके सामने प्रकट हुए, उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे भी एक संतान चाहिए, वो भी पुत्री के रूप में। भगवान शंकर ने अपनी पुत्री शेषराग को धर्म पुत्री के रूप में सौंप दी। आगे चल करके ये कन्या कौन है ये आपको हरिकीर्तन के माध्यम से पता लगेगा। तो आपके सामने पेश है, इस कथा का शीर्षक है मेघनाथ भगवत। Die.
Thank you.
स्त्री भगवान शंकर को आकर अपने हाल बताती है। भगवान शंकर क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं, पूरा वायुमंडल थर्रा उठता है और शेष लोक में जा धमकते हैं। और शेषनाग जी से कहते हैं, अरे दुष्ट पापी, मैंने जिस पुत्री को तुझे धर्म पुत्री के रूप में सौंपा था तो उस पर बदनियत होता है। शेषनाग घबरा जाता है, कहता है, हे भोलेनाथ, मैंने क्या अपराध किया है? उसी समय जिस चीज ने वो गलती की थी शेषनाग जी के लिए, वो मुस्कुराता है। भगवान भोलेनाथ जान जाते हैं कि इसका किया धरा है सब। त्रिशूल अपने कर से छोड़ते हैं और उस चीज को शेषनाग के धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन वो चीज जैसे अलग होता है, शेषनाग से कहता है, शेषनाग, तेरी फूट की वजह से मुझे आज तूने अलग किया है। याद रखना, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, जिस कन्या के लिए तूने मुझे ठुकराया है, एक दिन उस कन्या को मैं तेरे से कन्यादान करवा कर ले जाऊंगा। तो देखिए श्रोता बंधुओं, इधर लंका में रावण पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा था। वो शीश गगन मार्ग से जा रहा था। देव ऋषि नारद उसको बताते हैं, उसके चरणों में गिर जाता है। देव ऋषि नारद, मेरी नैया पान लगाइए। नारद ऋषि को बताते हैं कि रावण पुत्र यज्ञ कर रहा है, मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। हवन कुंड में तुम कूद जाओ, तुम्हारी ये देही बदल जाएगी, तुम्हारा दूसरा रूप आ जाएगा। तो किस प्रकार से हवन कुंड में कूद कर उस शीश का मेघनाथ बनता है। रावण को बहुत बलशाली पुत्र मिलता है और वरदानी शक्तियों के बल पर शेषनाग को बंदी बनाकर उस कन्या से जबरदस्ती विवाह करता है। उस कन्या का नाम सती सुलोचना था। श्रोता बंधु, आप दूसरी कड़ी के माध्यम से सुनेंगे। है पिया बोले जमानो, और ये पेट का एक
Yeah.
बाबलू। उस शिष्य का जन्म मेघनाथ के रूप में हुआ। बचपन में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांग लिए, उनके बल पर सभी देवताओं को बंदी बना लिया। इंद्र को अपने घर में पानी भरने पर लगा दिया। सारे ग्रहों को बंदी बनाकर अंत में शेष लोक में गया। शेष नाग जी को बंदी बनाकर और उसकी जो धर्म पुत्री सती सुलोचना थी उसको जबरदस्ती शादी करके लंका ले आता था। जैसे ही अपने पुत्री को जबरदस्ती ले जाने लगता है उसी समय शेषनाग कहता है, अरे दुष्ट पापी, तू मेरी पुत्री को आज मेरे से जबरदस्ती छीन कर ले जा रहा है, लेकिन एक प्रतिज्ञा मैं भी करता हूँ, याद रखना मेरे हाथों तेरा काल निश्चित है। इतनी प्रतिज्ञा करके शेष जी के शरीर से एक ज्योति निकलती है और दशरथ के घर जाकर लक्ष्मण के रूप में अवतार ले लेते हैं। इधर मेघनाथ को पता था, क्योंकि देव ऋषि नारद ने उसे बताया था कि लक्ष्मण से सावधान रहना। देखिए कैसे कैसे मोड़ कथा में आते हैं, इस प्रकार में अंत में सच्चाई की जीत होती है, अधर्म की हार होती है। मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों इस प्रकार मारे जाते हैं और वो बदला कैसे पूरा होता है और वापस वो शीश शेष के शीश में आकर जुड़ता है। अंतिम कड़ी के माध्यम से सुने सुना भैया, आज शेष
सगा सगा पैर।
अरे बुरे कलम को